हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी भाजपा के अतुल गर्ग जी हैं। अतुल जी, आप विधायक भी हैं और अब लोकसभा की भी जिम्मेदारी आने वाली है आप पर, तो कैसी कुछ फहरिस्त होती है हर आदमी के सामने कि ऐसे ऐसे काम कराने हैं मुझे शहर के अंदर, जो बाकी दिख रहे हैं समझ में आ रहे हैं कैसे काम? ऐसा होता है, जो केंद्र सरकार होती है वो योजनाओं को प्रसारित करती है प्रदेश के अंदर, और प्रदेश से वो होती हैं एग्जीक्यूशन प्रदेश के हाथ में होता है, कुछ केंद्र की सीधी योजनाएं होती हैं। तो यहाँ पर दिल्ली की बहुत सारी योजनाएं गाज़ियाबाद में आ रही हैं और भविष्य में आएं, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे रेलवे स्टेशन है, नया बन रहा है, पर बहुत सारी रेलवे की गाड़ियां यहाँ रुकें, इस बात में ध्यान रखें। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि आपके ऊपर केंद्र नेतृत्व ने जिम्मेदारी निभाई है, आपके ऊपर विश्वास जताया है, तो कितना बड़ा हुआ है? क्योंकि पहले मंत्री पद आपने यहाँ पर सरकार में भी चलाया और उसके बाद अब लोकसभा की जिम्मेदारी आपके पास मिलने जा रही है, तो किस तरीके से इसको लेकर के देखेंगे? क्योंकि अब आपके पास हापुड़ का भी क्षेत्र आपके अंडर होगा। नहीं, हापुड़ का क्षेत्र हमारे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में, गाज़ियाबाद के और केंद्र सरकार के बीच में मैं महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाऊंगा और जनता के जो सीधे सवाल हैं, जो सीधी समस्याएं हैं, उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। रिकॉर्ड में जो जीत का आंकड़ा टूटेगा इस बार, 4 जून तक इंतजार करिए, देखिएगा। ये हमारे साथ अतुल गर्ग मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि इस वक्त वो नॉमिनेशन करके आए हैं और इस बार जीत का जो 5 लाख तक का आंकड़ा था, इस बार वो ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ेगा। कैमरा पर्सन सनी के साथ में लोकेश राय, भारत समाचार, गाज़ियाबाद।